तो एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड क्या होगी इसको एक बार देखते हैं। देखो, एनर्जी ऑफ द फ्लूइड के अंदर सबसे पहले जब एक लिक्विड मूव करता है एक पाइप में, उसके पास मूवमेंट है ना, तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। कोई शक नहीं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिक्विड के लिए वही है जो ऑलरेडी पहले किया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकाल दो, तो कुछ ना करो, इस राइट साइड को भी मास से डिवाइड कर दो, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसे नोट कर लो, क्योंकि मेरे को काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए होगी, मेरे को इसमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए होगी। वो क्यों चाहिए होगी अभी डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आप पहला पॉइंट ये लिख लें। सेकंड में आपके पास जब एक लिक्विड हाइट अटेन करेगा तो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए होगी। तो अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला बन जाएगा सिर्फ जी एच। तीसरी एनर्जी है प्रेशर एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ठीक है, देखो इसके अंदर प्रेशर एनर्जी को समझते हैं। ये एनर्जी नई है, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, पर नाम से पता लग रहा है कि प्रेशर कुछ एनर्जी डेवलप करने वाली है। तो इसके लिए काम करते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये एक कंटेनर है, डायग्राम बना भी हुआ है आपके बुक में, ये आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये रहा वो पिस्टन, और लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, इसमें लिक्विड है ये रहा। ठीक है, ये लिक्विड क्या करता है? ये लिक्विड इस पिस्टन को पुश करता है, और कितना पुश करता है? यहां से यहां पुश करता है, और कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस करता है पिस्टन को? एक्स। मैंने वर्क डन नहीं किया, इस बार प्रेशर ने वर्क डन किया। प्रेशर कैसे वर्क डन कर रहा है? प्रेशर यहां पे ये वर्क डन कर रहा है, यहां पे फोर्स लगा रहा है। प्रेशर फोर्स, बोलो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए का मतलब एरिया ऑफ पिस्टन। ठीक है, एरिया ऑफ पिस्टन, तो प्रेशर ने क्या लगाया? फोर्स लगा दी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कर दी? एक्स। तो बोलो वर्क डन बाय प्रेशर, प्रेशर लिख देते हैं ना, वर्क डन बाय प्रेशर, बोलो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहां तक? तो ये वर्क डन बाय प्रेशर है, इसको प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। ओके, बस यही प्रेशर एनर्जी है, हाँ यही है। तो इसके अंदर वर्क डन, या फिर इसको बोलते हैं, मैंने क्या बताया? प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर कहूं निकालो, तो पी ए एक्स को कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ? एरिया इंटू एक्स, तो डिवाइडेड बाय एरिया इंटू एक्स, तो आपके पास क्या आ गया? पी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लिखो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पी इटसेल्फ। ठीक, और उसी तरीके से अगर मैं कहूं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट
मास निकालो, तो क्या करना है, पी ए एक्स प्रेशर एनर्जी, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो आंसर क्या आएगा, पी डिवाइडेड बाय रो। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला लिख लो, पी बाय रो।